अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर ब्लॉग। भाई आज बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है हमारा KSL का। ये समझे एक तरह से क्वार्टर फाइनल है। जो टीम जीतेगी वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। हमारी टीम में काफ़ी स्टार प्लेयर्स हैं। हमारे कैप्टन असल भाई बताएंगे भाई टीम में कौन कौन मौजूद है। आज टीम में अगर हमारी देखा अच्छा कॉम्बिनेशन है, एक तो हमारे एड्रेस के बहुत अच्छे हैं और अगर थोड़ा देखा जाए तो जमाल है, जवाद जेटी है, वसी रिजवी है और अली भट्ट है। तो ये है कि कॉम्बिनेशन अच्छा है और कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द जितना कम स्कोर पे रोक सके ताकि हमारे टॉस जीत के हम लोगों ने पहले बॉलिंग दी है। क्या कहते हैं कितना स्कोर दिया? आसमान की विकेट स्लो होती है हमेशा, तो वहाँ पर जो है दो बॉल सर अभी कोशिश करेंगे 120-150 के अंदर से करें और शारीर को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। वसी रिजवी, अरसल अली, अली भट्ट, सुफियान अरशद, रिजवान अच्छी, बशे, जवाब जेडी। तो ये था हमारा आज का स्क्वाड जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग साइड थी। सुफियान अरशद ने स्पेल का आगाज़ किया और शुरू से ही काफ़ी अच्छी बॉलिंग की और पिच की कंडीशन देखते हुए यही बैट्समैन का ख्याल था कि थोड़ा स्टे करना चाहिए विकेट के ऊपर क्योंकि बॉल इतना इजीली बैट पे नहीं आ रहा था। सेकंड ओवर करने आए जवाद जेडी जो कि अच्छे तगड़े फास्ट बॉलर हैं। टेप बॉल में तो आपने इनको देखा ही होगा, बड़ी अच्छी बॉलिंग करते हैं वैरायटी के साथ, स्लो वन और तेज़। और आज भी इसी तरह उन्होंने पहले ही ओवर में स्लो वन पे पहली विकेट गिरा दी और एक अच्छा स्टार्ट दिया हमारे आईबैक्स नाइट्स की टीम को। जेडी ने अपनी बेहतरीन बॉलिंग को उसी तरह कंटिन्यू रखा और अपने सेकंड ओवर में भी एक विकेट लेने में कामयाब हो गए जो कि दाऊद की विकेट थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट विकेट थी और स्लो वन पे इन्होंने ये विकेट हासिल कर ली और इस तरह स्कोर हुआ 15 रन 5 ओवर के बाद और 2 विकेट के नुकसान पे। जवाब जेडी ने बड़ा ज़बरदस्त तीसरा ओवर किया और उस ओवर में भी 2 विकेट हासिल की और इस तरह पावर प्ले में उनकी टीम के 4 खिलाड़ी पवेलियन वापस लौट गए थे और टीम का टोटल स्कोर था सिर्फ 16 रन आफ्टर 6 ओवर्स। भाई पावर प्ले का अगर मैं स्कोर मैं बताऊं आपको तो भाई 16 रन है पावर प्ले में 6 ओवर में और 4 आउट हो गए और 4 विकेट जवाब जेडी ने लिए। बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग कर दी यार। क्या कहेंगे आप, जवाब जेडी एक्सेलेंट बॉलिंग, एक्सेलेंट बॉलर है भाई, बुलाया एक्सेलेंट टीम के लिए एक्सेलेंट बॉलर बुलाया ना। धन्यवाद भाई, पहली दफ़ा मैंने हार्ड बॉल में देखा है आपको, मतलब लाइव ऐसे तो आपके मैचेस देखे हैं मैंने लेकिन आज बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की और ये मैच भी बहुत फ्लुएंट आई है, एक्सेलेंट बॉलिंग है। 4 विकेट हो गई ना? 4 हो गए भाई। जेडी ने बहुत ही ज़बरदस्त बॉलिंग कर दी, 4 विकेट ले लिए माशाल्लाह से और ये एक अच्छा स्टार्ट देते हैं हमारी टीम को। कोशिश करेंगे 100 के अंदर ही इस टीम को रिस्ट्रिक करें ताकि ये मैच हम लोग जीत सकें आसानी से। सॉरी यार वैसे भी आपकी विकेट जो है रिकॉर्ड नहीं हो सकी मोबाइल गेम में, चाय पानी जेडी से हल्का था तेज था, मुझे तो लग रहा है इस टाइम ये पाला से भी तेज है बालाजी से। पहला मैच है ना दिन का, क्या रहा है यूजुअली 3 3 होते हैं, क्या बात है भाई एक्सटेंड बॉलिंग तेज का यार, मुझे ही बताइएगा अभी तेज का क्या कहता है, बॉल शाइन करते रहे खराब ना हो स्विंग करते रहो। चलो भाई लास्ट विकेट फुल बॉलिंग यार, 5 आउट हो गए माशाल्लाह, बालाजी आ गए सही। वसी ने एक अच्छी विकेट ले ली है, 9 ओवर में 30 रन है उनके और 5 आउट है। अजी भाई आपकी एक्सरसाइज हो गई, ज़रा 1 मिनट लेंगे आप सर। सर मुझे ये पूछना है कि या तो हमारी बॉलिंग ज़्यादा कड़क हो गई है या पिच जो है वो थोड़ी गड़बड़ है। नहीं बॉलिंग हमारी बेहतर है यार, बहुत बॉलिंग कड़क हो गई। ये वो लड़के हैं जो समझ लें कि अभी क्रीम कराची क्रीम के अच्छे बॉलर, तो बॉलर अच्छे हैं और थोड़ी बैटिंग में उन्होंने लग की है। तुमने देखा कि जो जेडी ने आउट किए 4 सारे स्लोगन पे आउट, सारे स्लोगन अच्छा, स्लोगन वैसे अच्छा है सही, मशहूर है स्लोगन के लिए।
चार आउट हो गए भाई, वो छह आउट हो गए, 36 रन पे आ गए, 36-37 रन है चाहिए, 38-34 है चाहिए। तो क्या लगता है कितने पे बुक कर देंगे? 70-80 रन के अंदर अंदर फारी करें ताकि बैटिंग आ जाए मेरी भाई। बॉलिंग बहुत ही ज़बरदस्त हो गई। एक और जो बालाजी थे उन्होंने एक छक्का मारा अगली बॉल पे, वो भी आउट हो गए। अब हलीम भाई और कामरान भाई मौजूद हैं, असल में सीन ये कि ये टीम भी अपनी है। क्या क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? क्या भूल गए? नहीं क्या भूल गया सलाम, कितने रन आज ये बता दे, कितने रन बनाएगा? आउट दे दे इसका, जब भी तो इसको देर कर रहा हूँ यहाँ पे। कितने रन बनाएगा? रन बना दो, तीन रन बना पक्का। मुश्किल काम है वैसे, पिच काफी मुश्किल हुई भी है, काफी मुश्किल है, मुश्किल मुश्किल लोग भी खिला रहे हो तुम लोग ना। जमाल ने काफी बेहतरीन स्पेल किया है, इसने भी दो विकेट लिए और बैट्समैन काफी डर के खेल रहे हैं, और वजह यही है कि ऑलरेडी आउट हो चुके हैं उनके 7 या 8 प्लेयर्स हो गए अब तो, मेरे ख्याल से 10 अंडर्स ही बैटिंग कर रहे हैं अब। मैं भी यही बोल रहा था कि डर के खेल रहे, उन्होंने छक्का लगा दिया और टीम का स्कोर जो है वो अब 70 के आसपास पहुंच चुका है। खुशी करनी है, विकेट जल्दी से लें और जल्द से जल्द उनको ऑल आउट कर दें ताकि आसानी से टारगेट बन जाए भाई। इसकी भी बनानी है बॉलिंग इसके बाद। कितने ओवर हुए? 15 क्या भाई? जा भाई, 15 ओवर हुए और लास्ट विकेट अब उनकी सीनियर अच्छी ने आती, पहली बॉल में विकेट ले ली, बड़ी ज़बरदस्त बॉल की और अरसलान आउट हो गए भाई। अरसलान जो जबान के बहुत पक्के हैं, जितने बोले थे उन्होंने उतने रन बना के आए। कितने बनाए आपने? 300 फिर बोलता ना ज़्यादा भाई, मैं बोलता हूँ मैं कर देता हूँ। अच्छा बॉलिंग में विकेट कितनी लेंगे? यार आप जो ना अभी मैं गाली बकूंगा आपके व्लॉग में, आपको अच्छा लगेगा? आप बको, मैं आपको म्यूट कर दूंगा, हाइड कर दूंगा। आई लव यू, कोशिश करेंगे। वैसे विकेट में बहुत ब्रेक है, कुछ भी हो सकता है। आदि भाई क्या कहेंगे, टारगेट कितना होगा तो आप डिफेंड कर सकते हैं? 120 हो रहा तो इंशाल्लाह हो जाते हैं। बताऊं ये मैं आउट नहीं हुआ हूं, ये मुझे मेंटली आउट किया गया है। अज्जी जो है ना वो मेंटली तौर पे मुझे परेशान कर रहा था। फुल टॉस कर दी, लास्ट बॉल बची है, विकेट लेने की कोशिश करेंगे इस बॉल में। गुड बॉल, अच्छा ओवर किया, मेड इन ओवर और एक विकेट भी दिया, जबरदस्त बॉल। बहुत आला भाई, बहुत आला, बहुत आला यार, बहुत आला, एक्सेलेंट, गुड फील्डिंग यार, हवा जड़ी एक्सेलेंट पे था भाई। बहुत प्यारी बॉलिंग कर दी माशाल्लाह सबने। अभी टारगेट सर के पूछना पड़ेगा कितना है, मेरे ख्याल से 80 के अंदर हमने उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया और इंशाल्लाह कोशिश ये कि टारगेट जल्द से जल्द बनाए और टूर्नामेंट के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाए इंशाल्लाह। चलो बे कैमरा सर पे भी ला दिया, आज दे देगा। लेट करता ना भी भाई, तेरा भाई बहुत मुश्किल है, हारिस टीम बन पाएगा तेरे से। अरे भाई ऑडियंस को समझ नहीं आएगा उर्दू में तो बता। हाँ उर्दू में बात कर भाई, अभी नहीं समझ आ रही। अंडरवेल में लग जाता था यार, अंडरवेल में लग जाता था यार। ये व्लॉग में आया नहीं, ये डिलीट हो गया ये पार्ट तो यार। नजर आ रहा है? हां अरे नजर आ रहा है, बस सही। एक काम हो गया, 500 का पत्ता पक्का, आराम से हर विकेट पे पांच भाई, तू उसे मैच जिता दे। पांच अरे उड़ के ज्ञान कुछ के लिए बता रहा, पांच चलो चलो। यस आइए, गुड रन। वेट ऑन, वेट ऑन, चेक करना आप।
Wait on! कैमरे का मजाक नहीं है यार। अच्छा बोला। उसको मूव यहाँ तक आइए। यस। शॉट है, बहुत आला था उसका शबा, एक्सीलेंट, सही, हाँ सही, गुड बॉल भाई गुड बॉल आप नहीं आ रहे हो लेकिन ब्लर आ रहे हो थोड़ा जावा या बाज ये चीज देखिए ऐसे दो तीन मिनट हो जाएंगे दूर होके बात करना ताकि तू कैमरे में तो आए अच्छा मैं ये कह रहा हूं कि दूसरी की बॉल जितनी आपको मिलेगी ना मार दो टेप ही होगा अभी आप बॉलिंग पे आओगे ना कर लेना आपको जो करना है बातें नहीं करो यहां पे नीचे की बॉल आप यहां खाओगे आराम से सही आप करा देना कितना अच्छा छक्का मारा आप करा लेना ओवर जल्दी खत्म हो जाएगा देख नहीं रहे अगला ओवर बात तो सही है नहीं नहीं मैंने कब बोला ओरिजिनल है जो भी छक्का जा रहा है हां छक्का मार दिया आउट तो नहीं हुआ स्लोवन का कम से कम सर्कल के अंदर मेसी का मारा तो कर दो शाबाश भाई तू कौन से कटर कर रहा है छोड़ छोड़ क्या कर रहे हैं कटर छोड़ छोड़ यहां ये बहुत क्या ले रहा है चार स्लिप ले रहा है हाँ पेट ऑन बड़ा बॉलर है
हाँ हेलो क्या हाल है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल वेट यार कुछ बोल लेते भाई हेलो कुछ बोल लेते आप हाँ नहीं नहीं बाप रोकूंगा रिस्पेक्ट देनी थोड़ी यार Oh, oh my god, what a great shot! What a gap shot! Yeah, bolne teri kismat achhi hai. Hey, hey. Kismat achhi hai. Chota hi over ho gaya. Yaar, what is this? Yaar, besti kara raha hai yaar. Bolle kismat achhi gap lag raha hai mere. Nan, kya maar raha hai ye? Shabaazi bhai. आ जाइए की चेक करना सही है वेट बहुत आला यार गुड शॉट अच्छा सही हो गया क्या शॉट है यार बहुत आला शाबा हाँ वो नीचे था बहुत सही है बहुत आला तो नाज़रीन इसी के साथ हमारा क्वार्टर फाइनल वन साइडेडली ख़त्म हुआ जो हम काफ़ी टाइम से नॉकआउट मैचेस हार रहे थे इसमें हारे से बहुत अच्छी बैटिंग करी हमारे बॉलर ने एक अच्छी साइड को अंडर 80 पैक कर दिया तो ये बहुत अच्छी अचीवमेंट थी हमारे लिए और एक्सेलेंट डिस्प्ले ऑफ बैटिंग फ्रॉम आवर गाइस इंशाल्लाह सेमीफाइनल सेमीफाइनल में तो भाई ये आज का ब्लॉग बहुत मज़ा आया बैटिंग करने में मज़ा आ रहा था अगर उनकी टीम भी ये सुकून से खेलती जल्दबाजी नहीं करती तो 100% ईजिली कर सकती थी लेकिन उनके बैट्समैन थोड़े जल्दी में थे और बहुत जल्दी आउट हो गए 75 रन का टारगेट था जो कि ईजिली हम लोगों ने अचीव कर लिया माशाल्लाह से भाई मैन ऑफ द मैच बने हमारे जेडी जवाब जेडी एक्सेलेंट बॉलिंग बहुत आला भाई अच्छे मोबाइल में अच्छी आई जो पांच हो जाएगी तुम टेंशन नहीं लो मैंने तो टेंशन मिलने डाउट नहीं था इसका डाउट नहीं है सॉरी भाई ये नहीं है क्यों चार पांच पांच कैचेस यार वो पांच कैचेस है पांच चार 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 है देखा बढ़ा दिए इन्होंने ये फौरन वो रन दिए रन दिए कि चार रन चाचा की बॉल पे ओके भाई